क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टू बी मार्केट मैनिपुलेशन. सो वी नो दैट मार्केट मैनिपुलेशन में दो है, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन है एंड ट्रांजेक्शन मैनिपुलेशन है. इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन इज नथिंग बट यू आर स्प्रेडिंग द फॉल्स र्यूमर्स बिकॉज यू वॉन्ट प्राइस टू गो अप और प्राइस टू गो डाउन. सो यू स्प्रेड अ फॉल्स र्यूमर्स, दैट इज इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन. एंड वॉल्यूम और द ट्रांजेक्शन मैनिपुलेशन इज नथिंग बट लाइक फॉल्स ट्रेडिंग. यू आर इन्वॉल्व इन टू लाइक आर्टिफिशियल ट्रांजेक्शंस. यू आर डूइंग बाइंग सेलिंग और सर्कुलर ट्रेडिंग. दैट्स वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन मार्केट मैनिपुलेशन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन. ऑप्शन ए, एंगेजिंग इन अ ब्लॉक ट्रेड टू लिमिट द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ अ थिनली ट्रेडेड सिक्योरिटी. सो एनी स्ट्रैटेजी इफ यू आर फॉलोइंग दैट इट वुड नॉट बी अ वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड. सो टू रिड्यूस द टैक्स इम्पैक्ट और टू हैव मोर गेन्स, इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी स्ट्रैटेजी इट वुड नॉट बी अ वायलेशन ऑफ द मार्केट मैनिपुलेशन. सो मार्केट मैनिपुलेशन का वायलेशन कब होता है? वेन योर इंटेंशन इज रॉन्ग. वेन योर इंटेंशन इज कि प्राइस बढ़ना चाहिए, दैट्स वाई यू आर डूइंग आइदर आर्टिफिशियल ट्रेडिंग और यू आर स्प्रेडिंग फॉल्स र्यूमर्स. सो योर इंटेंशन इज रॉन्ग. यू नो दैट प्राइस इज नॉट गोइंग टू गो अप, राइट? ऐसे ही टू सो यू वॉन्ट प्राइस टू गो अप, दैट्स वाई यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स. सो इट वुड बी इट विल कम अंडर मार्केट मैनिपुलेशन पे. बट यहाँ पे एंगेजिंग इन अ ब्लॉक ट्रेड और बल्क ट्रेड इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी विच वी हैव डिस्कस. इसका होता है कि थीनली ट्रेडेड सिक्योरिटी है, मतलब ऑलरेडी देर आर लेस नंबर ऑफ बायर्स एंड देर आर लेस नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट बिकॉज सिक्योरिटी इज थीनली ट्रेडेड. सो लेट्स से सिक्योरिटी इज थीनली ट्रेडेड एंड आई एम अ बायर. आई वॉन्ट टू बाय इन अ गुड क्वांटिटी. सो इट इज नथिंग बट ए ब्लॉक ट्रेड. सो मुझे बहुत सारी क्वांटिटी में लेना है. नाउ एज सप्लाई इज लेस बिकॉज इट इज थीनली ट्रेडेड सिक्योरिटी बट आई वॉन्ट इट इन अ बल्क. सो मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए एंड सप्लाई इज लेस, राइट? सो अगर सप्लाई लेस होगा तो आई विल हैव टू पे प्रीमियम क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चाहिए एंड देर आर नो सेलर्स अवेलेबल. सो अगर सेलर्स ही ज्यादा अवेलेबल नहीं है, मतलब मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा टू बाय इट इन अ बल्क. द अदर वे, जैसे अभी फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू माइट बी देर आर नॉट बायर्स अवेलेबल इन द मार्केट. अगेन सिक्योरिटी इज थीनली ट्रेडेड. सो मेरे जैसे और बहुत कम बायर्स होंगे, दैट्स वाई माइट बी सेलर हैव टू गिव डिस्काउंट, राइट? सो फॉर द बोथ पार्टीज, आइदर पे द प्रीमियम और गिव द डिस्काउंट. सो अवॉइड दैट इम्पैक्ट ऑफ अ पेइंग प्रीमियम और गिविंग डिस्काउंट्स, दैट दे बोथ द पार्टीज कम टूगेदर एंड दैट ट्रांजैक्शन इज डन इन ओटीसी मार्केट. सो दैट इज बट नथिंग बट एंगेजिंग इन अ ब्लॉक ट्रेड और बल्क ट्रेड. सो इट इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रीमियम और डिस्काउंट. दिस थिंग इज डन. सो इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड. सो दैट्स ए. सो ए इज नॉट अ वायलेशन. बी इज इम्प्लीमेंटिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. अगेन ऑप्शन में ही दिया है स्ट्रैटेजी, सो यू डोंट नीड टू थिंक मच अबाउट इट. इफ इट इज अ स्ट्रैटेजी इट वुड नॉट बी अ वायलेशन. जैसे कभी कभी होता है ऑप्शंस में दे गिव डेरिवेटिव का कुछ कुछ स्ट्रैटेजी जिनका माइंड भी आपको आइडिया नहीं होगा एट दिस पॉइंट. सो बट इट इज वेरी सिंपल. इफ इट इज स्ट्रैटेजी इट वुड नॉट बी अ वायलेशन ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन. सो डोंट थिंक मच क्योंकि कभी कभी होता है कि डेरिवेटिव्स का काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज ऑल्सो दे गिव इट इन द ऑप्शन. सो यू डोंट नीड टू गेट कंसर्न फॉर दैट. सो इम्प्लीमेंटिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टू एक्सप्लोइट डिफरेंसेस इन अ मार्केट पावर एंड इन्फॉर्मेशन. सो एक्सप्लोइटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन लाइक प्राइस एंड वैल्यू. वी हैव डिस्कस इन इक्विटी ऑल्सो कि वी बाय द चीपर थिंग्स एंड वी सेल द एक्सपेंसिव थिंग. सो दैट इज नथिंग बट यू आर एक्सप्लोइटिंग द डिफरेंसेज. सो इवन दैट्स वन ऑफ द स्ट्रैटेजी. सो बी इज रूल्ड आउट. सो सी वुड बी द आंसर, ओवर स्टेटिंग एंड अर्निंग्स प्रोजेक्शंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्राइस. सो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है ओवर स्टेटिंग ऑन द अर्निंग्स प्रोजेक्शंस. सो आपको पता है ऐसे होने वाला नहीं है, स्टिल यू आर ओवर स्टेटिंग बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द स्टॉक, राइट? सो सी इज द करेक्ट वन. दिस इज अ डेलिबरेटली डन थिंग विल कम अंडर मार्केट मैनिपुलेशन. सो द करेक्ट आंसर इज सी.